बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ द एक्सरसाइज 13C ऑफ बुक D2। टुडे वी विल डू दैट एक्सरसाइज। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेल वेदर। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स आ गई है, हमने बताने ट्रू है कि फॉल्स है। बट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। ठीक, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और आइसोसेलिस ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो इट्स मीन्स के इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ना वो ये वाली ट्राइंगल हो सकती है। इट्स मीन्स दिस इज ट्रू। बी पार्ट स्टूडेंट्स, एन आइसोसेलिस ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, थर्ड नहीं इक्वल, वो तो इक्विलेटरल ही ना हो सकती है। इक्विलेटरल होने के लिए उसकी तीनों साइड्स जो है ना इक्वल होनी चाहिए, तो ये फिर फॉल्स हो गया। सी पार्ट, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो 3 होगा। यस, क्योंकि उसकी तीनों साइड्स इक्वल है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल है, तो उसका ऑर्डर जो है ना वो रोटेशनल ट्राइंगल इधर मूव करेंगे, इधर मुड़ के उसको 360 डिग्री तक जितना हम मूव करें तो वो जो है ना उसका 3 ऑर्डर उसका जो है ना आएगा रोटेशनल सिमेट्री का। ठीक स्टूडेंट्स, दिस इज ट्रू। इफ अ ट्राइंगल हैज़ 2 इक्वल साइड्स देन इट इज़ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। यस, दिस इज ट्रू। ई पार्ट, इफ अ ट्राइंगल हैज़ 2 इक्वल साइड्स देन इट हैज़ 2 इक्वल एंगल्स। यस स्टूडेंट्स, जिस ट्राइंगल की दो इक्वल साइड्स होती हैं उसके जो दो एंगल्स होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं। ठीक, दिस इज ट्रू। If a triangle has 2 equal angles, then it has 2 equal sides. Yes, students, जिसकी sides equals होती हैं उसके जो होते हैं ना वो angles भी जो होते हैं ना वो equal होते हैं। This is true. A circle has no rotational symmetry. ये false है। देखिए, circle की जो होती है ना वो infinite rotational symmetry होती है, वो हर point पे जो होता है ना उसकी जो होती है ना rotational symmetry आ रही होती है। ठीक students, this is false. An n-sided polygon has a rotational symmetry of order n. जी, ये ट्रू है। देखिए, ये n-sided के कितनी 4 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, कोई भी पॉलीगोन है, जितनी उसकी साइड्स होंगी उतनी उसने जो है ना उतनी दफ़ा जो है ना उसकी जो है ना रोटेशनल सिमेट्री जो होती है ना वो चेंज होती है। ठीक स्टूडेंट्स, उतनी ज़्यादा उसकी उतनी रोटेशनल सिमेट्री होगी। ठीक है, दिस इज ट्रू। अ स्केलीन ट्राइंगल हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। स्केलीन ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती। अगर इसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, ये बड़ी है, छोटी है, ये फिर उससे बड़ी है, तो जो है ना ये ट्राइंगल जो है ना इसकी इसमें है ही नहीं कोई लाइन ऑफ सिमेट्री। देर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और इधर मैंशन है कि 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स। अस आइसोसेलिस ट्रेपीजियम हैज़ 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, ये एक ट्रेपीजियम है। ठीक, आइसोसेलिस ट्रेपीजियम है, उसकी कह रही है 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स हैं। ये देखें आइसोसेलिस ट्रेपीजियम, ये शेप। ठीक स्टूडेंट्स, ये आइसोसेलिस ट्रेपीजियम की शेप है, इसकी 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स हैं। नो स्टूडेंट्स, इसका कोई भी पेयर जो है ना वो इक्वल साइड्स है ही नहीं है। इट्स मीन्स दिस इज फॉल्स। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, अब इसकी इसमें जो है ना हमने जो है ना रोटेशनल सिमेट्री जो है ना बतानी है इनकी जो है ना। ठीक है, और ये ए पार्ट में जो है ना हमारे पास शेप है स्केयर पायरामिड की। ठीक स्टूडेंट्स, ये देखें, ये बता रही है कि चारों साइड्स जो है ना इक्वल है। इट्स मीन्स दिस इज स्केयर पायरामिड्स। अब स्केयर पायरामिड्स की जो बेस है इसमें रोटेशनल सिमेट्री स्केयर है। इट्स मीन्स कि इसमें 4 रोटेशनल सिमेट्रीज हैं। ठीक है, इसकी जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 4 है, तो इट्स मीन्स के इसकी पायरामिड की भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हुई, 4। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये जो हुई ना 4, क्योंकि इसकी बेस 4 है। बेशक आप इसको यूँ लिख भी सकते हैं, सिंस द बेस हैज़ ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4, ठीक है, देन द फिगर हैज 4 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री।
ठीक स्टूडेंट्स, इस तरह जो है ना आप इसको जो है ना राइट डाउन भी कर सकते हैं। पार्ट बी पार्ट में देखें तो इधर जो इसकी बेस है ना 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस बेस की जो है ना वो ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है ना वो 6 है, ठीक है। और ये बेस है क्या, ये हमारे पास है हेक्सागोन, ठीक है, हेक्सागोन बेस है तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 है, इट्स मीन्स कि इस फिगर की भी जो है ना वो ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है ना वो 6 होगी। ठीक स्टूडेंट्स, इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन है 6। सिंस द बेस इज हेक्सागोन, ठीक है, विच हैज ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 6, ठीक है, इसके ऑर्डर देन द फिगर हैज ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 6। ठीक स्टूडेंट्स, ये इसकी बात होगी। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर सी में देखें तो ये हमारे कौन है, कौन की जो बेस है वो सर्कल है, और आपको पता है सर्कल की जो होती है ना वो इन्फिनिट होती है, इट्स मीन्स के इस फिगर की भी जो है ना वो इन्फिनिट जो है ना वो होगी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सर्कल हर पॉइंट पे जो है ना उसकी वो मूव चेंज होती है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, इन्फिनिट, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसका आंसर आएगा इन्फिनिट, ठीक है, इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, सिंस द बेस इज सर्कल सो द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इन्फिनिट। ठीक स्टूडेंट्स, ये बस पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर डी में देखें तो ये जो है ना इसके जो है ना एंड पॉइंट जो दोनों एक्सिस आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं सर्कल, तो इसकी भी जो है ना रोटेशनल सिमेट्री जो होगी ना वो इन्फिनिट होगी। ठीक स्टूडेंट्स, एंड ऑफ द एक्सिस आर सर्कल सो द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज़ इन्फिनिट। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया डी पार्ट भी हमारा सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, कॉपी एंड ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ड्रॉ टू प्लेन्स ऑफ सिमेट्री एंड वन एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक स्टूडेंट्स, अब इधर नई चीज़ आई है प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होती क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन होता है जिधर से हम जो उसको फिगर को कट आउट करें, ठीक है, उसको हम कट करें और वो जो है ना टू जो है ना सेम फिगर्स जो है ना उसकी बन जाए, ठीक स्टूडेंट्स, उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब इधर हमने जो है ना दो ड्रॉ करनी है, ठीक स्टूडेंट्स। अब ये देखें सर्कल को अगर हम मिडल में से कट करें ना इधर से, ठीक है, या आप इसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है, तो ये जो होती है ना सेम इधर एक इतना सा वो बन जाएगा सिलेंडर टाइप स्मॉल और एक इधर, ठीक है, ये ऐसे अगर हम इसको जो है ना ये एक जो है ना ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, ठीक है, ये जो है ना ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना एक जो है ना वो हम वर्टिकली भी जो है ना इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम इस फिगर को जो है ना वो इस तरह कट करें ना इस तरह, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए 3D शेप में जो है ना ये, ठीक है, ये देखें अगर हम इसको इस तरह भी कट करें ना तो ये देखें ये भी दो जो है ना मिडल में से जो है ना दो सर्कल्स जो है ना वो बन रहे हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। और नेक्स्ट इस पार्ट में है एंड वन एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, ये रोटेशन सिमेट्री की बात बार बार आ रही है, ये देखें ये स्ट्रेट लाइन जो है ना जो एक रोटेशन जिस पे हम जिसको मूव कर सकते हैं, ये जो है ना ये सीधी जो है ना ये जो है ना ये एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आ गया, ठीक है, ये इसका जो है ना एक्सिस आ गया जिधर से जो है ना हम इसको जो है ना वो रोटेट कर सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ये आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, ये आ गया राइट प्रिज्म विद अ रेक्टेंगुलर बेस, ठीक है, अब इसकी रेक्टेंगल बेस है, ठीक है, अगर आप यूं देखें हमने इस रेक्टेंगल को जो है ना वो करना है, अगर हम इसको ऐसे
मिडल में से थोड़ा सा जो है ना आप इसको विजुअलाइज करें, ठीक है। मैं भी इसको जो है ना ये थोड़ा सा ये देखें, ठीक फ्रेंड्स, ये देखें इसको, ये रेक्टेंगल टाइप है ना, अगर आप इसको यूं मिडल में से काट करते हैं, ये आधा इधर रह जाएगा और आधी इस तरफ ये आ जाएगी, ठीक फ्रेंड्स। एक ये हो गई इसकी, और दूसरा जो है ना इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है ना वो इस तरह जो है ना यूं इधर से जो है ना वो आपने जो है ना इसको कैंसिल करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए, ठीक है। ये अगर आप इसको यूं कट करते हैं तो ये इधर एक रेक्टेंगल रह जाता है और ये जो है ना दूसरी तरफ आ जाता है, ठीक फ्रेंड्स। और ये जो है ना इस तरह जो है ना ये इसके ड्रॉ होंगे, ठीक। और इसका जो है ना हमने जो एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो भी यूं, ये मिडल में से रेक्टेंगल शेप है और ये स्ट्रेट लाइन, ठीक फ्रेंड्स। ये जो है ना इसका एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। नाउ स्टूडेंट, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? अ राइट प्रिज्म विद एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज अ बेस, ठीक है। एक ये प्रिज्म है और ये नीचे क्या है इसके जो है ना वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इसकी बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट्स मीन्स के जो है ना ये नीचे इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, ठीक है। हम इसको यूं जो है ना इसको मिडल में से कट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको मिडल में से, एक इसका ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक है, एक ऐसे हो गया, और एक जो है ना हम इसको जो है ना वो हॉरिजॉन्टली जो है ना वो कट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना ये ठीक इधर से काट करें, ये दो प्लेन्स जो है ना इसके ड्रॉ हो गए, ये एक इधर कैंसिल हो गया, ये इधर कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट हमने इस पे ड्रॉ करनी है एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। इस पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो ये मेडल में से, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गए। डी पार्ट स्टूडेंट्स, अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। ये जो है ना एक सर्कुलर कोन है, ठीक है। इसकी जो है ना वो हमने इधर इसकी ड्रॉ करनी है टू प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसकी जो है ना हमने दो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री जो है ना वो ड्रॉ करनी है। एक जो है ना हम इसको ये ऐसे जो है ना इसको कैंसिल जो कट करें तो ये जो है ना हमारे पास ही आ गया, ठीक है। ये कोन जो है ना टू शेप्स में जो है ना डिवाइड हो गई, ठीक स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट जो है ना अगर हम इसको इस तरह कट करें ना कि इस तरह देखें कोन हर तरफ सर्कल है ना, अगर इसको यूं मिडल से कट करें तो ये आधी कोन इधर आ जाएगी और आधी उधर, ठीक है। एक ये हो गया इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा जो है ना ये वाला हो गया, ठीक स्टूडेंट्स। ये हो गया कि यूं हम इधर से काट करें तो जो है ना ये आ जाएगा, ठीक। और अब इस पे जो है ना नेक्स्ट हमने ड्रॉ करना है वन एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, तो वो हमारे पास आया ये मिडल, ठीक स्टूडेंट्स। ये हम नाउ स्टूडेंट्स ई पार्ट। ई पार्ट में शेप है अरेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है। टेट्राहेड्रॉन शेप ऐसी है कि जो है ना इसके वैसे सिक्स प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, ठीक है। इधर हमने टू ड्रॉ करने हैं। इसकी बेस ट्राइंगुलर है और जो है ना फोर साइड्स जो है ना इसकी ट्राइंगुलर बेस से जो है ट्राइंगुलर जो है ना वो बनी हुई है, ठीक है। ये आपकी जेहन में आ गई होगी, ठीक है। इस तो फिर जो है ना इसको हमने जो है ना इसके दो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री जो है ना वो बनाने हैं, ठीक है। ये एक आ गया, ठीक है। ये ट्राइंगुलर, ये चारों साइड से जो है ना इसके इसमें जो है ना इस तरह की शेप है, ठीक है। ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। थोड़ा आप इसको विजुअलाइज करें कि अगर हम इसको यूं कैंसिल करते हैं, ये इधर से जो है ना ये इसका पूरा जो है ना वो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, ठीक है। एक ये हो गया, ये दो जो है ना वो इक्वल पार्ट्स में जो है ना इस तरह जो है ना ये दिखाई दे रहा है, ये इधर इतना, ये इधर इतना, ठीक स्टूडेंट्स। ये जो है ना इस तरह जो है ना इसको कैंसिल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ना वो यूं होगा, ठीक है। ये इस तरह जो है ना इसको पूरा, ये इसको हम इधर से कैंसिल करें, इसको जो है ना ये, ठीक है, ये करें तो ये एक इस तरफ आ रहा है, ठीक है। इधर से हम ये पूरी साइड जो है ना इसको जो है ना वो करें कट करें, एक इस तरफ इस तरह की फिगर आ रही है और दूसरी जो है ना इसकी बैक एंड पे, ठीक है। ये कैंसिल करके ये इसका मिडल वाला जो है ना वो पार्ट आ रहा है, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको विजुअलाइज करें कि ये थ्री जो है ना फोर शेप साइड्स जो है ना इसकी जो है ना ये है ट्राइंगुलर है, ठीक है। तो ये जो है ना ये इस तरह जो है ना ये एक इस तरफ और दूसरी जो है ना दूसरी तरफ, ठीक है। और ये जो है ना इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इस फिगर के वैसे सिक्स प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं लेकिन हम इधर टू ड्रॉ करने का बोले हैं, ठीक है। ये हो गया। नाउ रोटेशन भी, ठीक। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना इसका जो है ना ये मिडल में से जो है ना ये, ठीक फ्रेंड्स, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन।
इस पे जो है ना हम इसको जो है ना वो रोटेट कर सकते हैं। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स एफ पार्ट। एफ पार्ट में हम देखें तो ये जो है ना हमारे पास ये कि मिडल से आ गया है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये जो है ना ये हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है ना वो हम जो है ना इधर इस इधर मिडल से जो है ना वो हॉरिजॉन्टली जो है ना वो ड्रॉ करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये फिर हमारे पास इसको ऐसे, ठीक है, ये देखें ये जो है ना ये इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। ठीक है, इसको अगर हम यू मिडल से कट करते हैं तो ये टू शेप्स में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर हमने इसका ड्रॉ करना वन एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, वो हमारे पास ये आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मैनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री डज अ राइट पायरामिड विद अ स्क्वायर बेस हैव अनदर। ठीक है, इधर नंबर फोर में जो है ना इस फिगर के बारे में जिक्र हो रहा है। ठीक है, ये देखें इसकी स्क्वायर बेस और जो है ना ऊपर जो है ना ये पायरामिड शेप। ठीक है, और ये हम इसको अभी हमने किया है कि जिसकी स्केयर जो है ना वो बेस स्केयर हो तो उसकी जो रोटेशनल डिग्री होती है, रोटेशन ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है वो फोर होता है। ठीक है, और इसी लिहाज से जो है ना उसकी जो है ना रोटेशनल सिमेट्री भी जो होगी ना वो फोर होगी। ठीक स्टूडेंट, सेम इधर जो है ना ये फिगर हमारी ये वाली है। ठीक है, ये है राइट पिरामिड विद अ स्केयर बेस। ठीक है, ठीक, तो फिर इसका स्टूडेंट्स आंसर होगा द राइट पायरामिड विद अ स्केयर बेस हैज फोर रोटेशन फोर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना फिर इसका जो है ना ऑर्डर नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मेनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री डज द राइट पायरामिड विद अ स्क्वायर बेस हैव ऑल टुगेदर। एक कितनी जो है ना वो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होंगी राइट पायरामिड की विद अ स्क्वायर बेस। ठीक है, इस फिगर के बारे में जो है ना वो हमने जो है ना पढ़ लिया हुआ। ये जो है ना ये देखें यही फिगर है क्वेश्चन नंबर टू में, ये बेस है स्क्वायर बेस और ये आपको पता है कि इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, फोर है। ठीक है, इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फोर है और जो है ना इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी जो है ना वो फोर होगी। ठीक है, एक ये इधर आएगा, ठीक, एक ये इस तरफ आएगा, ठीक स्टूडेंट्स, एक ये इस तरह ड्रॉ होगा, ठीक, और एक ये इस तरह ड्रॉ होगा। ठीक, ये जो है ना इस तरह फोर साइड्स में जो है ना हम जो है ना इसके जो है ना कट करके जो है ना इसको सेम शेप में जो है ना वो ला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर इधर आ गया फोर, इसका आंसर फोर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव, स्टेट द नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री एंड द नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग सॉलिड्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने दो बातें बतानी है, एक तो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री बतानी है, ठीक, और दूसरी जो है ना नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बतानी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री वो होती है जिससे हम किसी फिगर को जो है ना टू पार्ट्स में अगर हम उसको कट करते हैं तो टू पार्ट्स में जो है ना बिल्कुल इक्वली जो है ना वो इमेज जो है ना वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, एक जैसी जो है ना उसकी मिरर इमेज बन जाए। और नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वो होती है या वो कौन से एक्सिस हैं जिनके ऊपर जो है ना या वो कौन सी लाइन है एक्सिस की जिसके से हम फिगर को रोटेट कर सकते हैं और फिगर को रोटेट करें हम क्लॉकवाइज जो है ना वो फिगर जो है ना वो रोटेट हो सकती है। ठीक है, ये जो है ना हमने इन ये जो हमें फिगर्स दी हुई है ना उनके हमने बतानी है। पार्ट नंबर ए, ए में देखिए हमारे पास जो है ना वो क्यूबॉइड दिया गया हुआ है। ठीक है, इसकी जो है ना वो प्लेन्थ ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये आप जरा फिगर से जो है ना इसको अंडरस्टैंड करें। एक ये है इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक स्टूडेंट्स, एक ये है इसकी, ठीक, ये इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए ऐसे अगर हम मिडल में से काटें ये क्यूबॉइड है ये दो बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे इसकी मिडल के अंदर ये जो है ना ये दो बन जाएंगे और ऐसे अगर हम ऊपर से इसको जो है ना ये जैसे ये कट किया हुआ ये फिगर्स में दिखाई हुई है। ठीक, तो फिर स्टूडेंट्स क्यूबॉइड की कितनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हुई, थ्री प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है,
इसकी जो है ना प्लेन्स ऑफ सिमेट्री 3 है। ठीक स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 में दी नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब हमने जो है ना इसकी रोटेशनल सिमेट्री बतानी है इस फिगर की। हम इसको अगर देखें ना तो इसकी तीन प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है ना, तो तीन ही जो है ना इसकी जो है ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्री है। ठीक स्टूडेंट्स, वही तीन पार्ट से जो है ना ये वही लाइन जो गई है ना उन्हीं से जो है ना ये रोटेट हो सकती है 360 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, तो वो जो है ना वो उसका 3 आ गया। नेक्स्ट बी पार्ट में आ गया अ क्यूब। ठीक स्टूडेंट्स, इसमें क्यूब आ गया। अब जो है ना क्यूब की देखें थोड़ा सा आप ये भी अंडरस्टैंड कर लें क्यूब की। अब ये सारी साइड्स जो है ना वो इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। ठीक है, अब पहले जो है ना हम इसकी जो है ना प्लेन्स ऑफ सिमेट्रीज देखते हैं। देखें क्यूब की जो है ना लाइन्स 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्रीज है। ठीक स्टूडेंट्स, क्यूब की 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है। देखें ये मिडल में से कट हुआ तो ये एक हो गया, ये ऐसे स्ट्रेट, ये इधर मिडल में से क्योंकि ये इधर से भी सेम है। ठीक स्टूडेंट्स, फिर इधर से लेकर इधर तक ऐसे अगर हम ऊपर से इसको कट करते हैं तो ये दो हमारे पास जो है ना वो बनती है। ठीक है, अब हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं, डायगनली इसको जो है ना वो कट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे इस साइड का, ये दूसरी साइड का, सब सेम है तो ये सब जो है ना इसकी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री जो है ना बन रही है। ठीक है, फिर हम इधर से इधर भी इसको कट कर सकते हैं जैसे इसमें किया हुआ। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया, ये इधर से इधर अंदर की तरफ। ठीक है, और ये फिर ऊपर से नीचे। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना इसकी जो टोटल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है ना वो हमारे पास आ रही है 9। ठीक, तो ये क्यूब की हमारे पास प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है 9। अब जी स्टूडेंट्स, नंबर 2 में दी नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमने इसकी क्यूब की बतानी है 9। तो इसकी हो गई ना ये प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, जो उसके प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है वही जो है ना उसके एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्रीज हैं। ठीक है, तो फिर एक्स्ट्रा जो है ना इसकी टोटल है 13। ठीक है, ये जो है ना ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है क्यूब, क्योंकि इसकी सब साइड्स इक्वल है ना, इस वजह से जो है ना। अब इसको मैं अगेन एक्सप्लेन करने लगी, देखो नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, ये स्केयर है, क्यूब आपको पता है स्केयर होता है, तो 4 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री जो है ना इसकी ये हो गई। ठीक है, 1 ये, 2 ये, और ये 3, ये 4। ठीक है, बेस स्केयर की वजह से जो है ना इसकी 4 हो गई सिमेट्रीज, प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद जो है ना इसकी ये हॉरिजॉन्टल आ गई प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये मिडल में से कट हो रहा है, और बाकी जो है ना ये जो है ना इसकी स्लांट, इस तरह जो है ना ये जो है ना इस तरह जो है ना इसके कट्स आएंगे, 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है ना वो इसकी आ गई। ठीक, ये 4 ऐसे। ठीक स्टूडेंट्स, ये इसकी टोटल जो है ना वो 9 हो गई प्लेन ऑफ सिमेट्रीज, और 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिक्स टू वर्टिक्स जो है ना 4 इसमें ऐड हो गए। ठीक है, ये 13 टोटल जो है ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गए। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है ना अ राइट प्रिज्म विद एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज अ बेस। ठीक है, अब जो है ना इधर जो है ना वो है हमारे पास प्रिज्म है, बेस है, ये देखें इसके प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है ना वो ये रहे, इसमें जो है ना 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक यू मिडल से, एक ही ऊपर से बिल्कुल सीधा हम इसको कट करें वैसे, एक ये इस वाली इक्विलेटरल है ना, तीनों साइड्स इक्वल है ना, ये इधर से जो है ना ये इधर तक जो है ना जा रही है। ठीक है, एक साइड से जो है ना दूसरी के मिडल तक जो है ना हम इसको कट करें, ये सेम आ गया, सेम ऐसे ही दूसरी से जो है ना वो इस साइड तक। ठीक स्टूडेंट्स, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस वजह से जो है ना इसके ये ट्राइंगल के जो है ना मिडल से जो है ना हम इसको जो है ना वो कट करेंगे। ठीक, कट कर सकते हैं, तो ये जो है ना इक्वल जो है ना शेप्स आएंगी हमारे पास। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई 4 जो है ना इसकी आ गई सी पार्ट है। ठीक स्टूडेंट्स, ये सी पार्ट जो है ना ये हमारे पास इसके पास आ गई 4 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, और फोर्स प्लेन्स ऑफ सिमेट्री के साथ जो है ना 4 ही जो है ना इसके जो है ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक स्टूडेंट्स, ये बात हो गई। अब ये आ गई राइट पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है, ये हमने पीछे भी क्वेश्चंस में पढ़ा है कि बेस जो होती है ना, जिस तरह बेस होती है ना उतने जो होती है ना उसके अंदर जो होती है ना वो लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं 5, लाइन्स ऑफ सिमेट्री 5 हैं, तो इट्स मीन्स के जो है ना इसकी जो है ना एक ये 5 ये लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज हो गई, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्लेन सिमेट्री हैं वो 5, और जो है ना एक ये मिडल हॉरिजॉन्टल जो है ना काट के हम इसको मिडल में से काट करें तो वो हमारे पास जो है ना इसका जो है ना प्लेन्स ऑफ सिमेट्री में आएगा। ठीक है, इट्स मीन्स इसके जो टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं वो 6 है। ठीक है, और नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी जो है ना, क्योंकि प्रिज्म में आते हैं, ठीक, प्रिज्म के जो है ना वो जितने भी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होंगे उतने ही जो है ना उसके एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होंगी। ठीक है, एक ये भी बात हो गई, तो ये जो है ना इसके नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी क्या है, 6 है।
नाउ स्टूडेंट्स, ई पार्ट, ई पार्ट में आ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन को अगर हम शेप को देखें तो ये नीचे जो है ना ट्राइंगल है, तो इसके जो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है ना वो 6 है, ठीक है। ये ट्राइंगल बेस के साथ जो है ना 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ठीक है। 3 लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ जो है ना ये 3 वर्टेक्स है जो है ना, ये ऐसे ऐसे, और इसका वर्टेक्स है जो है ना ये थर्ड वाली जो उसका होगा, ठीक स्टूडेंट्स। इससे जो है ना वर्टिक्स से ही इसके जो है ना टोटल कितने प्लान ऑफ सिमेट्री हो गए, 6 प्लान ऑफ सिमेट्री हो गए, ठीक। ये हो गया स्टूडेंट 6 प्लान ऑफ सिमेट्री। और जो है ना अब इसके नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन कितने हैं, नंबर ऑफ ये 3 ट्राइंगुलर ब्रेस है, ये 3 इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गए, और फोर्थ वन ये मिडल में से, ठीक स्टूडेंट्स। ये जो इसकी स्ट्रेट लाइन इधर से आएगी वो इसके जो है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गए, तो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गए 4। नाउ स्टूडेंट्स एफ पार्ट है राइट सर्कुलर कोन, ये बेस इसकी सर्कुलर है, ठीक स्टूडेंट्स। तो इसके जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना वो इन्फिनिट है, ठीक है। हर पॉइंट पे जो है ना वो चेंज होती जाएगी, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना इसकी इन्फिनिट है, तो इस वजह से जो है ना इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है ना वो इन्फिनिट है, और नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना वो इसका 1। ये सिर्फ इधर से मिडल से जो है ना ये करेगी, ये जो है ना इसका 1 जो है ना वो नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सिर्फ ये इस लाइन से जो है ना जो ये एक्सिस आ रहा है बिल्कुल मिडल में से, उससे जो है ना ये रोटेट हो सकती है इमेज, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स जी पार्ट में जो है ना वो हमारे पास है राइट सिलेंडर। अब ये सिलेंडर शेप आ गई, ये भी सर्कुलर और ये भी जो होती है ना सर्कुलर, इसमें कर्व्ड में आ जाती है शेप में, ठीक है। ये भी कर्व्ड हो गई और ये भी सर्कुलर पार्ट, तो इट्स मीन्स के इसकी बेस सर्कुलर है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना वो इन्फिनिट है, और उसी के मुताबिक हमने इधर बताने नंबर ऑफ प्लान ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो वो भी आगे हमारे पास इन्फिनिट, ठीक है। और जो इसके हैं नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो भी इन्फिनिट है, क्योंकि ये भी इसकी कर्व्ड सरफेस है, ठीक। तो हर सरफेस पे जो है ना उसका एक्सिस जो है ना वो चेंज होगा, ठीक है। यूँ जितने इसके रोटेशनल सिमेट्री होगी उसी तरह जो है ना इसके जो है ना ये चेंज होगा, ठीक स्टूडेंट्स। तो इसके जो है ना वो नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन भी जो है ना वो इन्फिनिट है, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स अ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर में देखें तो इसकी बेस जो है ना वो सर्कल है, इस वजह से जो है ना इसके नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री जो है ना वो इन्फिनिट है, ठीक। और इसका जो है ना एक्सिस ऑफ नंबर ऑफ रोटेशन जो है ना वो 1 है, ठीक है। ये सिर्फ मिडल में जो लाइन आएगी वो उसका नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन में आएगा जो कि 1 है, ठीक स्टूडेंट्स। आई पार्ट में हम देखें तो ये हमारे पास स्केयर पायरामिड है, स्केयर पायरामिड की बेस 4, ठीक है, स्केयर बेस है, ठीक है। इट मीन्स के जो है ना इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 4 है, तो जो है ना इसके नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन नंबर ऑफ, नाउ स्टूडेंट्स आई पार्ट अ स्केयर पायरामिड, ये एक स्केयर पायरामिड है, इसकी हम बेस जो है ना वो स्केयर है, इट्स मीन्स के इसके जो है ना लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना इसकी 4 है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 4 है, तो जो है ना उसकी नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी जो है ना वो जो भी जो है ना वो 4 आई, ठीक स्टूडेंट्स। ये जो है ना इसकी जो है ना वो 4 आ गई। अब इसके नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सिर्फ एक सिंगल जो मिडल में से लाइन पास करेगी वो इसका जो है ना एक इसका जो है ना नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स जे पार्ट स्फीयर, इसका जो है ना प्लान ऑफ सिमेट्री जो है ना इसका इन्फिनिट, सर्कल का आपको पता है, तो और साथ इसके जो है ना नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी जो है ना ये हर पॉइंट पे जो है ना उसकी चेंज हो रही है, इट्स मीन्स के इन्फिनिट, ठीक स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ क्यूब, डज अ क्यूब हैव मोर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री देन अ क्यूबॉइड। जी स्टूडेंट्स, इधर उन्होंने पूछे प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है ना वो क्यूब के जो है ना वो अभी हमने देखे थे। जी स्टूडेंट्स, ये अभी हमने देखी थी, पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखी है, जो क्यूब के है ना वो कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, ठीक है। इसकी सारी ये मैंने बताया था, ये मिडल से इसकी 4 जो होती हैं स्लांट होती हैं, 4 इसकी बेस के है, 4 वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, और एक जो है ना ये हॉरिजॉन्टल कट होता है, ठीक स्टूडेंट्स। तो जो है ना टोटल जो है ना इसकी जो है ना 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। ये इधर उन्होंने हाउ मैंने पूछा, इधर आपने कह देना है 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ देयर क्यूब। नेक्स्ट बात उन्होंने पूछी है, डज अ क्यूब हैव अ मोर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री देन अ क्यूबॉइड, के क्यूबॉइड के जो है ना वो ज़्यादा प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं क्यूब
जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट ने पूछा है डज अ क्यूब हैव मोर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री देन अ क्यूबॉइड। क्यूब के जो है वो ज़्यादा प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं क्यूबॉइड से। ठीक है जी, यस, ये क्यूबॉइड था। क्यूबॉइड के 3 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं, उसके 9, इस वजह से उसकी सारी साइड्स जो है ना वो इक्वल है। ठीक स्टूडेंट्स, तो इसकी बात आ गई, यस, इसके 9 है और इसके 3 है। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपने बस इसमें बताना है, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी बातें हैं। ठीक है, और ये इस तरह क्वेश्चन हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स का सर्वे 6 इज सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, अ स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पिरामिड अटैच टू अ क्यूबॉइड विद अ स्क्वायर बेस ऑफ साइड्स 30 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है ना स्क्वायर है नीचे, ये 30 सेंटीमीटर जो है ना वो सारा, ठीक है, ये फिगर उन्होंने हमें दी हुई है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर है और ऊपर जो है ना वो जो है ना एक पायरामिड जो है ना इसके साथ अटैच है। फाइंड, अब फाइंड हमने ये करना है 3 बातें हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट वन है दी नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, हमने जो है ना इसके प्लेन्स ऑफ सिमेट्री जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके जो इस फिगर के जो है ना टू प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं, एक ये इस तरह हम कट करें, ठीक है, ये इसका जो है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया एक, और एक स्टूडेंट्स इस साइड से अगर हम मिडल से इसको कट करते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये जो है ना इसके कितने प्लेन्स ऑफ सिमेट्री आ गए, 2, एक इस तरह, ठीक, और दूसरा इस तरह, ठीक है, इस तरह अगर हम इसको काट करते हैं, ठीक है, तो इसके प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गए 2। द नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, जिस पे ये जो होती है ना फिगर जो होती है ना रोटेट कर सकती है, वो ओनली 1 है, क्योंकि ये स्केयर पायरामिड इसके साथ अटैच है, स्केयर पायरामिड की 1 होती है और जो होती है ना इसकी जो है ना वो 1 है, नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का जो है ना हमने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट करना है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ये होता है कि एक फिगर को जो है ना 360 डिग्री पर आप मूव करते हैं तो कितनी दफ़ा जो है ना वो सेम उस पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है ना वो 2 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप विजुअलाइज करें, अगर आप इसको करते हैं ना, इसको करते हैं ना, ये 3D शेप है। ठीक है, 3D शेप जो है ना, अगर आप इसको 360 डिग्री पे मूव करते हैं ना, तो ये इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो बनता है ना 2 टाइम्स बनता है। ठीक स्टूडेंट्स, and now students this exercise is finished. I hope you understand this exercise very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of self. Allah Hafiz.